हेलो एवरीवन, भावना हैंगआउट में आज हम बनाएंगे ब्रेड पॉकेट्स, जिसे बनाना बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आप वीडियो को पूरा और ध्यान से देखेंगे तो आप इसे अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं। अच्छे से बनके तैयार होगी, सभी को बहुत पसंद आती है, एज ए टी टाइम स्नैक्स के रूप में बहुत अच्छा आइडिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको बनाना। यहाँ लिया एक बड़ा बाउल, इसमें डालते हैं बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और इन्हें अच्छे से चलाएंगे, यानी कि सारी सब्जियां आपस में अच्छे से मिल जाएं। अब यहाँ ऐड करेंगे मसाले, नमक, ऑरिगेनो, लाल मिर्च पाउडर, बहुत थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच टमाटो सॉस, 1 चम्मच शेजवान चटनी और इन्हें हम अच्छे से मिला देंगे, यानी कि सारे मसाले इन सब्जियों में अच्छे से मिल जाएं। अगर कुछ मसाले आपको यहाँ कम लगते हैं तो आप उन्हें यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ पर एक तरफ रख देती हूँ। अब यहाँ लिए 6 ब्रेड स्लाइस, जिनके हमें किनारे हटाने हैं। एक चाकू की हेल्प से मैं इस तरह से इसके किनारे हटा देती हूँ। मार्केट में बिना किनारे वाले ब्रेड भी मिलते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। इस तरीके से इन्हें हम फेंकेंगे नहीं, इनका हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। इसी तरह से दूसरी ब्रेड ली, उसके भी किनारे हटाए। ये देखिए, मैंने सारी ब्रेड के किनारे हटा के अलग कर लिए हैं। अब बारी आती है ब्रेड पॉकेट्स को चिपकाने के लिए एक मैदा का गाढ़ा घोल बनाने की। तो मैंने यहाँ लिए 2 चम्मच मैदा और उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के हमें इसका गाढ़ा घोल बनाना है। पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालें, एकदम ना डालें। अगर आप पानी एकदम डाल देंगे तो उससे घोल आपका पतला हो जाएगा और उसमें लम्प्स भी आ जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इस तरह से इसको चलाते हुए इसका घोल बनाएं। इस पूरी प्रोसेस में 3 से 4 चम्मच पानी लग जाता है। ये देखिए, हमें इस तरह का गाढ़ा घोल चाहिए। अब मैं इसे एक तरफ रख देती हूँ। यहाँ मैंने लिए एक ब्रेड। अब अपने हाथों को पानी में इस तरह ड्रिप करके ब्रेड के ऊपर लगाएंगे, यानी कि ब्रेड को हमें दोनों तरफ से हल्का हल्का गीला करना है। इससे ब्रेड को जब हम तेल में डालेंगे तो वो कम ऑयल अब्जॉर्ब करेगी। अब इसे पतला पतला रोल कर लेते हैं हल्के हाथों से। ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा हाथों पर प्रेशर देते हुए रोल ना करें। ये देखिए इस तरह से। अब मैं आपको यहाँ एक और करके दिखाती हूँ। ब्रेड को इस तरह से गीला किया और बिल्कुल हल्के हाथों से इसको रोल किया। रोल करने से ये थोड़ा पतला हो जाता है और इसका साइज़ भी हल्का बढ़ जाता है, तो हमें स्टफिंग रखने में आसानी होती है। ये देखिए, अब यहाँ पर 1 चम्मच स्टफिंग रखी और जो घोल हमने बनाया था उससे चारों तरफ इसके किनारों पे हमें लगाना है, ताकि इसके किनारे अच्छे से सील हो जाएं। यहाँ हमें पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि पानी से किनारे बिल्कुल अच्छे से सील नहीं होंगे और जब आप पॉकेट्स को तेल में डालेंगे फ्राई करने के लिए तो ये किनारे उसके खुल जाएंगे। तो इस घोल से ही इसको चिपकाएँ, इस तरह फोल्ड करते हुए उंगलियों की हेल्प से इसको प्रेस करते हुए सील कर दें। उठा के इस तरीके से किनारों को सील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छे से सील करें। एक नाइफ़ की हेल्प से उसके पीछे वाले हिस्से से इस तरह से दबाते हुए और अच्छे से इनको सिक्योर कर लें। ये बिल्कुल तैयार है। अब इसे फ्राई करते हैं। इसे फ्राई करने के लिए आपका तेल बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से इसको पलट पलट के हमें फ्राई करना है। देखिए, मेरी कढ़ाई में यहाँ स्पेस है तो मैं एक और डाल दूँगी। ये देखिए, मैंने यहाँ दूसरा ऐड किया। जो पहले डाला था उसके कलर काफ़ी चेंज हो गई है। इस तरह से पलट पलट के दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। इस तरह कड़छी को लगा के एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दें। कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। मैं इसकी आपको यहाँ पे आवाज़ सुनाती हूँ, देखिए।
नाइफ की सहायता से आपको इसको काट के दिखाती हूँ। देखिए कितना जूसी, अंदर से बिल्कुल जूसी और बाहर से एकदम क्रिस्पी। टमाटो सॉस और चटनी के साथ आप इसे एंजॉय करें। देखा कितनी माउथ वाटरिंग लग रही है, बाहर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से एकदम जूसी। आप इसे सॉस के साथ में खाएं, हरे धनिये की चटनी के साथ खाएं। चटनी की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे शेयर की है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। आप बस इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए, सिर्फ एंजॉय कीजिए, सब कुछ भूल के। मैं कल फिर मिलूंगी एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए बाय।